वालेकुम स्टूडेंट्स वर्चर यूनिवर्सिटी में खुशामदीद आप देख रहे हैं भैू खानपुर चैनल और आज की हमारी वीडियो है कि अगर आपका पेपर किसी वजह से मिस हो जाता है तो फिर आप उसको दोबारा कैसे दे सकते हैं रे कैसे होगा उसकी फ़ीस कितनी होगी और किस किस वजह से ये मामला हो सकता है ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं उससे पहले एक और चीज़ के आप जानते हैं कि वर्च यूनिवर्सिटी में एडमिशनस ओपन है स्प्रिंग 2024 के उस सिलसिले में आपको अगर एडमिशन लेना हो किसी दूसरे आपके जाने वाले ने तो फिर आप यहाँ पे हमारा नंबर भी है सारी चीज़ें हैं आप रबता कर सकते हैं इन एडमिशन आपका करवा देंगे और दूसरी चीज़ आप आ जाएँ ज़रा वापस आज के टॉपिक के ऊपर तो टॉपिक जैसे कि आप जानते हैं कि 12 फैब से पेपर स्टार्ट हैं और ये चलेंगे आपके तकरीब सताईस तक छब्बीस तक ठीक है इस दौरान यानी 12 से लेकर 27 तक किसी भी दिन कोई आपका पेपर मिस हो जाता है तो फिर आप उसको कैसे दे सकते हैं चलें इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं और चंद पॉइंट ऐसे हैं जिसकी वजह से आपका पेपर मिस हो सकता है नंबर एक कोई बीमारी का इशू हो जाता है कोई ऑपरेशन कोई इस तरह का मसला है कि आप पेपर नहीं दे पाते तो भी ये पेपर आपका रिश्डूल हो सकता है लेकिन आ, इसकी जो कंडीशन है वो ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने के बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरह हो सक हो सकता है इसके बाद कोई इंटरव्यू आपका आ जाता है कोई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था दरमियान में कोई इंटरव्यू आ गया कोई और इवेंट आ गया कोई आ, शादी आ सकती है कहीं जाना पड़ सकता है आपको तो ये भी वजह हो सकती है तीसरी वजह ये हो सकती है कि आप आ, टाइम पे पहुंच नहीं पाते आपको पता है कि आ, कोई भी पेपर अगर है जैसे कि आठ बजे अगर आपका पेपर था तो आपके पास मैक्सिमम पंद्रह मिनट होते हैं लेट होने के अगर आप इससे ज़्यादा एक सेकंड भी लेट होते हैं तो फिर आपका पेपर लॉगिन नहीं होता पंद्रह मिनट के अंदर अंदर आप उसको लॉगिन कर सकते हैं इसके अलावा कोई दूसरी वजह हो सकती है मतलब आपकी कोई ज़ाती पर्सनल वजह हो सकती है कि आप पेपर के ऊपर नहीं पहुंच पाए या ऊपर वाली कोई भी तीनों चारों वजह हाथ में से कोई एक हो सकती है तीसरा चौथा जो और आखिरी प्रोग्राम प्रॉब्लम यह हो सकता है कि आ, बस ये शाहजो नदर ही होता है ऐसे कि कैंपस के हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई आ, लाइट का इशू हो गया या इस तरह का इशू हो गया तो इस सूरत में क्या होगा ये जो आखिरी आखिरी पॉइंट है ये बिल्कुल अलग से है तो बाकी जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि किसी भी ऐसी सूरत में आपका पेपर नहीं हो पाता या आप देना नहीं चाहते तो फिर करना क्या है उसे कहा जाता है कि पेपर रिशडूलिंग नोटिस बोर्ड के ऊपर अगर आप आएँ तो नोटिस आ चुका है इसके हवाले से मैं इसको आपको पढ़ के बता देता हूँ ए स्टूडेंट मे रिक्वेस्ट फॉर रिशोलिंग ऑफ मिस्ड अनप्लान पेपर्स द रिशोलिंग रूल्स मे बी एक्सेसिबल थ्रू द फॉलोइंग लिंक और जो रूल्स हैं हम उसको ज़्यादा नहीं पढ़ते ये अगर आपने देखना हो तो इस लिंक के ऊपर आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं नोट द रिशेडूल वन चांस विल बी प्रोवाइडेड वंस ओनली ये सिर्फ एक दफ़ा होता है यानी कि अगर आपका पेपर जैसे कि आज सत्रह तारीख है आज मिस हो गया तो आप रीशेड्यूल कर लेते हैं और ये पेपर हो जाता है तो ऐसा नहीं कि जब आप रीशेड्यूल की डेट आए लास्ट पेपर देने की तो फिर दोबारा से आप मिस कर दें और दोबारा से आप कहें कि रीशेड्यूल हो जाए ऐसा नहीं होगा आप पेपर मिस करेंगे और एक दफ़ा रीशेड्यूल करके आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं और रीशेड्यूल की डेट को आप अगर पेपर नहीं देते तो फिर वो रीशेड्यूल नहीं होगा दोबारा से और वो पेपर फ़ेल हो जाएगा आपका फीस नॉन नॉन रिफंडेबल है जब आप अप्लाई करते हैं और वो प्रोसेस हो जाता है तो फिर दो हज़ार रुपये की जो एक फ़ीस का चलान है वो आपके बुक में आ जाता है पेपर आपने देना है नहीं देना है लेकिन वो फ़ीस आपको जिम्मे हो जाती है वो पेपर वो फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है अब फीस कितनी है वो तीसरे पॉइंट में है दो हज़ार रुपये फ़ीस होती है इसकी जो आपने फाइनल टर्म एग्जा रिज़ल्ट आने से पहले पहले देनी होती है डेडलाइन टू अप्लाई लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर फारी शेड एंड प्लान पेपर्स बोथ लोकल एंड ओवरसीज़ यानी लोकल से मुरादा है पाकिस्तानी के अंदर और ओवरसीज़ जो पाकिस्तान से बाहर हैं ट्यूजडे ट्वेंटी सेवन सताईस फरवरी तक आप ये uh, कोई भी पेपर अगर मिस करते हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं याद रखें कोई भी पेपर मिस होता है तो बगैर अप्लाई करने के वो पेपर डी आपका दोबारा से नहीं होगा जब तक आप उसको एक मखसूस प्रोसेस के जरिए अप्लाई नहीं करते रिश्डूलिंग डेट द रिश्डूल्ड एग्जाम्स फॉर बोथ लोकल एंड ओवरसीज स्टूडेंट्स हेल बी हेल्ड ओनली ऑन उन थर्सडे ट्वेंटी नाइन्थ और जो भी पेपर आप रिश्डूल करेंगे वो उसके वो होगा उनतीस फरवरी को इसमें टाइम का नहीं होता मोस्टली जो पहला सेशन है वो आठ बजे होगा दूसरा इस तरह दस बजे होगा ऑन जिस तरह आ, ये शेड्यूल चल रहा था अभी पेपरों का टाइम का वैसे ही वो पेपर होंगे अब तरीका कार क्या है तरीका कार मैं आपको एल एम एस ओपन करके बता देता हूँ कि आपने करना क्या है और ध्यान से अप्लाई करना है आपने सबसे पहले अपना एल एम एस ओपन करेंगे कोई भी और तरीका जब आप डेट शीट बना लेते हैं पेपर अगर मिस हो जाता है किसी भी वजह से तो कोई और तरीक़ा नहीं है आप उस पेपर को आगे पीछे कर सकें सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ और ये बिल्कुल फ़ीस के साथ है एल ओपन करने के बाद आपने मेन्यूज़ के अंदर जाना है स्टूडेंट सर्विस के अंदर स्टूडेंट सर्विस जैसे ही ओपन होंगे तो फिर थर्ड जो हमारा टैब है वो है एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट इसमें आप बिल्कुल सेकंड लास्ट में आएंगे अप्लाई फॉर रीशेडलिंग ऑफ पेपर्स याद रखें कि जो पेपर्स आपके मिस होंगे अगर मिस कर दिया है तो वो यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे आपके पेपर आ रहे होंगे क्योंकि इस स्टूडेंट के कोई भी पेपर मिस नहीं है तो आपने यहाँ पे पेपर आपके सामने होंगे और यहाँ पे होगा सिटी यानी कि पूरी लिस्ट होगी जहाँ पे भी आप पेपर देना चाहते हैं तो आपको दोबारा से ये सिटी सेलेक्ट यहाँ से करने पड़ेंगे जिस सिटी में भी आप पेपर देना चाहते हैं तो सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो कैंपस होगा वो सिलेक्ट नहीं कर सकते बाजूक अगर कोई स्टूडेंट लाहौर का है तो लाहौर में बहुत सारे कैंपस में पेपर हो रहे होते हैं जब आप रिशेडूल करेंगे तो फिर आप वहाँ पर कोई मखसूस कैंपस सिलेक्ट नहीं कर सकते ये सारी की सारी जो स्वापदीद है वो होगी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो किस सेंटर आ, सेंटर में आपका पेपर सेट करते हैं आगे उसके चेक बटन होगा आपने उसको चेक बटन को क्लिक करना है और सबमिट रिक्वेस्ट कर देना है इस तरह यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा और 24 घंटे के टाइम के अंदर अंदर आपका वो पेपर प्रोसेस्ड लिखा हुआ आ जाएगा फिर आपने क्या करना है कि अपनी जो डेट शीट है वो दोबारा से लॉगिन करके प्रिंट कर लेनी है तो जो डेट जो मिस्ट पेपर होगा वो आपके डेट शीट के अंदर दोबारा से आ चुका होगा उसका टाइम भी होगा और कैंपस का नाम भी वहाँ पे लिखा हुआ होगा ये सिंपल सा प्रोसेस है तो सिटी ध्यान से सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने उसको सबमिट कर देना है जैसे ही सबमिट करेंगे तो दो हज़ार रुपये का जो चलाना है अगर एक पेपर है आपका तो वो आपके अकाउंट बुक के अंदर आ जाएगा और इस तरह अगर दो पेपर हैं तो चार हज़ार के दो दो हज़ार करके वो चल इस तरह आ जाएंगे और अगर तीन पेपर हैं तो फिर आपके छः हज़ार होंगे इस तरह हर पेपर के दो हज़ार रुपये फ़ीस होती है रिफ़ंडेबल नहीं है और अगर आप रिश्डूल करने के बाद पेपर नहीं देते तो भी वो फ़ीस आपको देनी पड़ेगी और आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकेंगे इसलिए ध्यान से रिश्डूल करें और कोशिश करें कि कोई भी पेपर आपका मिस ना हो ताकि आपको ये इजाफी फ़ीस ना करनी पड़े लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो फिर आपको रिशेडूल करना पड़ेगा और रिश्डूल का तरीका कारण यही है सिंपल सा है इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी हाँ फेस कर रहे हों इसमें रिशेड लोग में तो फिर आप रहा कर लीजिएगा इन शहनमाई कर देंगे जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो बन रही है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लाजमी आ जाएँ मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना तो ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि